हेलो, आज हम आयनाइजर का जो है वो 11.5 पीएच का डेमो देखेंगे। आप देखिए, अभी मैंने जो है 11.5 पीएच का सेटिंग किया है। अभी इसको हम लोग देखिए, अभी ये दिखा रहा है हाइड्रोजन रिच वाटर, क्योंकि इसमें बबल्स है। ये अभी आपको हाइड्रोजन रिच वाटर है, एकदम वाइट वाटर दिख रहा है आपको। अभी ये जो है हार्डनेस, ये वाइटनेस, इसका हाइड्रोजन डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसमें ये ऑयल है, इसमें ये देखना है कि ऑयल ये हो रहा है कि नहीं। ये आपको हाइड्रोजन ज़्यादा दिख रहा है तो मैं निकाल देता हूँ वापस और फ्रेश पानी लेता हूँ फिर से। देखिए, इसका हाइड्रोजन डिसअपीयर होने के होने तक वेट करते हैं ताकि इसका हाइड्रोजन निकल जाए। देखिए, अभी धीरे धीरे जो है इसका हाइड्रोजन निकल रहा है। अभी मैं इसके अंदर ये ऑयल डाल रहा हूँ। अभी ये देखते हैं कि ऑयल इसमें डिजॉल्व होता है क्या। यदि डिजॉल्व हो गया है, इसका मतलब ये जो है 11.5 पीएच का पानी आपका आ गया है। और आप ये देखिए, बिल्कुल मिल्क हो गया है, दिख रहा है आपको, ये पूरा मिल्क हो गया है। मतलब ये आपका 11.5 पीएच का पानी जो है वो आ रहा है। तो इस वाले मशीन में आपको डिफरेंट टाइप के पीएच ले सकते हैं। आप उसमें 8 ले सकते हैं, 9 पीएच का पानी ले सकते हैं, 9.5 पीएच का ले सकते हैं और 11.5 पीएच का ले सकते हैं। अभी जो है हमको 11.5 पीएच का पानी चाहिए था, इसलिए हम लोग 11.5 पीएच का पानी ले रहे हैं। तो ये जो है आपको क्लियर दिख रहा है कि ये और देखना है एक बार आपको, तो और एक बार देख सकते हैं। एक बार क्लीन कर लेता हूँ। हमने ये 11.5 पीएच पे लाइव ले रहे हैं पानी अभी। ये हाइड्रोजन रिच वाटर है, इसलिए अभी ये बबल्स दिख रहे हैं आपको वाइट। ये हाइड्रोजन रिच वाटर है। अभी देखिए, अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल रहा हूँ। ऑयल आप देखेंगे, डालता हूँ और आप देखेंगे पूरा ये वाइट हो गया। वाइट होने का मतलब ये है कि ऑयल को 11.5 पीएच जो है वो डिजोल्व कर लेते हैं। और इसी का और एक बेनिफिट होता है कि आप जो है 11.5 पीएच पे वेजिटेबल्स को क्लीन करना चाहिए। वेजिटेबल्स को, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है स्पेशली, या फ्रूट्स है जिसमें केमिकल स्प्रे करते हैं फार्मर्स टू सेव फ्रॉम द पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स के लिए जो है वो थाइमेट और ऐसे डिफरेंट टाइप के यू नो पॉइजनस फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, और उसको निकालने के लिए 11.5 पीएच का जो है पानी यूज़ करना चाहिए। 11.5 पीएच में जो जितना भी पेस्टिसाइड्स होता है वो पेस्टिसाइड्स निकल जाता है। तो दिस इज़ गुड फॉर वेजिटेबल क्लीनिंग ऑल्सो। और 11.5 पीएच का पानी आपको नॉर्मली केवल जो है वो आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए, और अभी स्पेशली जो है वो बोलते हैं कि कैंसर पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है ये, तो उसमें 11.5 पीएच का पानी यूज़ करना चाहिए। और ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस पे काम करता है।